नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के दो जासूस पकड़ाए हैं और ये जो शाहीन बाग और दिल्ली दंगों के जो आरोपी हैं, इनके पूरे गैंग में हड़कंप मच गया है। क्या है रिश्ता ये पाकिस्तानी जासूसों का इन लोगों के साथ, ये मैं आपको बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो दोनों पकड़े गए हैं वो आखिर क्यों पकड़े गए और कैसे इनको मिलिट्री इंटेलिजेंस और दिल्ली पुलिस के लोगों ने इन्हें पकड़ा। दरअसल जब से ये सीए का जो आंदोलन फर्जीवाड़ा जो चल रहा था, जो तमाशा देश के अंदर में चल रहा था, तभी से हिंदुस्तान को इस बात के पुख्ते सबूत मिल चुके थे कि ये सब कुछ पाकिस्तान के द्वारा संचालित है। इसमें बहुत सारे नए नए खुलासे हुए थे। कैपिटल टीवी लगातार इस बात को बताता आ रहा था कि किस तरीके से 500 के आसपास फेक आईडीज सोशल मीडिया में बनाए गए थे दिल्ली दंगे से ठीक पहले, जिसे पीओके से ऑपरेट किया जा रहा था। साथ ही साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जानकारियां और पैसे के लेन देन के बारे में हिंदुस्तान के एजेंसियों को पता था। लेकिन यह जानना जरूरी था कि यह दरअसल हिंदुस्तान में जो पाकिस्तानी एजेंसियां जो ऑपरेट कर रही हैं वो किनके जरिए ऑपरेट कर रही हैं। इसलिए पिछले 2-2.5 महीने से पाकिस्तानी दूतावास के अंदर जो लोग इस गतिविधि में जुटे हुए थे उन पे हमारी एजेंसियां नजर रखी हुई थी। पूरा उनके लिए ट्रैप बिछाया गया और ये जो जासूस बनते फिरते इमरान खान के, वो इस ट्रैप में बड़े ही बेवकूफ की तरह जो है वो फंस गए। दरअसल ये खुलासा हुआ है कि ये जो हिंदुस्तान में, ये जो चाणक्यपुरी में दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास है, वो दूतावास का काम कम, आईएसआई की तरफ से जो खुफियापंथी इमरान खान के लिए खुफिया जानकारियां और देश के अंदर जो है बवाल मचाने का काम में वो ज़्यादा लिप्त थी। और इसीलिए जब वहाँ जो मेन ऑपरेटिव थे उनके ऊपर नज़र डाला गया तो एक डिकॉय, एक जो है फर्जी एक आदमी को उनसे मिलवाया गया और उसके बाद सारे सबूत इकट्ठा किए गए पिछले 2-2.5 महीने में, फोन पे इनकी बातचीत, वीडियो मीटिंग, सारा कुछ, ताकि वो बाद में पाकिस्तान ये ना चिल्लाए जैसे हर बार चिल्लाता है। और हिंदुस्तान में बहुत सारी लेफ्ट लिबरल कबाल, ये वायर वाले, ये बहुत सारे मीडिया वाले ये लिख देंगे, नहीं ये तो ऐसे ही आपने पकड़ लिया, क्योंकि ये हर बार इस तरह से होता रहा था। लेकिन पहली बार सबूतों को पहले इकट्ठा किया गया, ऑडियो वीडियो सारा जमा किया गया और 31 तारीख को, मतलब कि कल 10:30 बजे उन्हें करोल बाग बुलाया गया कि वहाँ उनको बहुत सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स दिए जाएंगे। और ये बड़े ही आसानी से जो है उसमें फंस गए और वो करोल बाग की ओर आने लगे। 10:30 बजे मॉर्निंग की बात है ये। और जब ये लोग आए तो इनको पता नहीं था कि वहाँ कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलने वाला है, इनका पूरा इंतज़ाम वहाँ पर किया गया है। तो वहाँ पे आर्य समाज चौक है, वहाँ पे बाकायदा बैरिकेडिंग की गई। ये लोग पाकिस्तानी एम्बेसी की जो सीडी की जो कार होती है वो, उससे आए और इनको वहाँ पे धर दबोचा गया। जब पकड़ धकर हुई तो इन्होंने भागने की कोशिश की तो इसमें उनके कार के शीशे विरे हुए टूटे। लेकिन जब ये लोग पकड़े गए तब इनकी आइडेंटिटी रिवील हुई। अब देखिए जो आइडेंटिटी रिवील हुई है उससे भी बहुत सारे सवाल वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि शख्स, ये सारे लोग अपने आप को अमृतसर के व्यापारी बता रहे थे। और हैरानी की बात यह है कि इनके पास से आधार कार्ड भी निकला। अब ये देखिए, अभी पुलिस ने जब इन्हें पकड़ा तो ये खुद को व्यापारी बता रहे थे और ये बता रहे थे कि वो पाकिस्तानी नहीं है, वो हिंदुस्तानी अमृतसर के हैं और व्यापार करते हैं और उसी सिलसिले में वो करोल बाग आए हुए हैं। अब इसमें मसला एक जो फंस ये रहा है कि अगर कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अंदर आधार कार्ड बना लेता है तो वो कौन लोग हैं जो इनको ये आधार कार्ड बनाने में इनकी मदद कर रहे थे। कोई आम आदमी किसी दूसरे देश में जाकर के वहाँ की नागरिकता, वहाँ के इस तरह से वो तो नहीं कर सकता। लेकिन ये हुआ है तो जो हमारी एजेंसियाँ हैं अब इस बात को खंगाल रही है कि हिंदुस्तान में बैठे वो कौन गद्दार लोग हैं जो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट्स और उनके जासूसों के लिए आधार कार्ड बनाने का पूरा व्यापार में जुटी हुई है और कितना पैसा लेकर के ये लोग देश में जो है इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं।
अब इनकी जो पकड़ धकड़ हुई तब मालूम चला कि ये दो, ये तीन लोगों को, बहुत सारे लोग कह रहे हैं दो, ये तीन लोग हैं, एक का नाम आबिद हुसैन है, दूसरे का नाम ताहिर खान है और तीसरा जावेद अख्तर है। आबिद हुसैन पाकिस्तानी एम्बेसी में जो वीज़ा डिपार्टमेंट है उसका एक असिस्टेंट है। मतलब ये कि हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग पाकिस्तान जाते हैं और पिछले दो साल से ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो जिनको जिनको वीज़ा चाहिए तो वो ये भाई साहब जो हैं वो वीज़ा दिया करते थे। मतलब ये कि ये डायरेक्ट उन इस तरह के एलिमेंट्स के कॉन्टैक्ट में थे जो लगातार पाकिस्तान और हिंदुस्तान आना जाना जिनका लगा रहता था। और दूसरा शख्स जो ताहिर खान है वो भी वहाँ पे एक क्लर्क है जो कागजी काम धाम करता है, और तीसरा जावेद अख्तर ये इनका ड्राइवर है। ये तीनों पाकिस्तान के हैं। ये आबिद हुसैन जो है वो पंजाब का रहने वाला है, दूसरा इस्लामाबाद का रहने वाला है, और जावेद अख्तर मियांवाला करके एक जगह है वहाँ पे, वहाँ का वो निवासी है। और ये सब जब 10:30 बजे मॉर्निंग में इनको पकड़ा गया और ये खबर रात 10:30 बजे आई, तो ये जो 12 घंटा जो पूछताछ हुई इसमें इन लोगों ने सारे जो राज थे वो इसने खोल दिए। अब इनको पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया गया है। पर्सोना नॉन ग्राटा का मतलब होता है कि दीज पीपल आर नॉट अप्रिसिएटेड। मतलब ये कि ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि जो एम्बेसीज में जो लोग काम करते हैं, जो डिप्लोमेटिक वीज़ा के ऊपर किसी दूसरे देश में रहते हैं और वहाँ की सरकार उनको पर्सोना नॉन ग्राटा बता देती है, तो इसका मतलब है कि उनको उस देश को छोड़ करके जाना होगा। 24 घंटे का टाइम दिया गया है, जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये इस वक्त वाघा बॉर्डर पे मौजूद हैं और इनको वहाँ से रुखसत किया जा रहा है। पाकिस्तान से नॉर्मल रिएक्शन होगा, वहाँ से भी दो लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, वो जैसा हर साल हर बार होता है। लेकिन फ़र्क इस बार बस इतना है कि हिंदुस्तान के पास ऑडियो वीडियो टेप है कि वो किस तरह से जासूसी कर रहे थे। लेकिन ये खबर तो आम है, लेकिन एक और खबर इससे भी खतरनाक आई है जो इससे ही जुड़ा हुआ है कि किस तरीके से पाकिस्तान अपनी पूरी एनर्जी, एक तो इकॉनमी तो कटोरा लेकर के पूरी दुनिया में घूम रहा है इमरान खान, लेकिन सारा जो उसका जो सारी जो एनर्जी उसने जो लगा दी है वो ISI के पीछे, वो पैसे देकर के हिंदुस्तान में जो पत्रकार हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक्टिविस्ट हैं, ये CA के नाम पे जो बवाल मच रहा है उसमें इन्होंने सारी एनर्जी झोंक दी है। और इसका खुलासा कैसे हुआ है, क्योंकि इसके लिए भी मैं आपको इस बात के लिए तो जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, रॉ है, IB है, उनको सैल्यूट करना पड़ेगा कि ये लोग 24/7 पूरी डेडिकेशन के साथ पाकिस्तान के जो नेफेरियस डिजाइन है उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि ट्विटर के ऊपर, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ट्विटर पे बवाल मच रहा है, तो ट्विटर के ऊपर इस्लामाबाद से किस तरीके से हिंदुस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा था और किस तरीके से CA के दौरान ये जो लोग संविधान बचाने के लिए निकले हुए थे, हिंदुस्तान का मैप लगाए हुए थे ना शाहीनबाग में ये लोग, और झंडा लगाए हुए थे, और किस तरीके से उस फेक जो ट्विटर IDs जो थे उनको ये लोग गीता मान करके, कुरान मान करके ये लोग जो है रिट्वीट कर रहे थे और पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे थे। एक खुलासा हुआ है रेसिस्टेंट फ्रंट का, ये TRF, ये नायक को जब मारा गया था तो कैपिटल TV में हमने बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान लश्कर ए तौबा को एक नया नाम दे करके सोशल मीडिया और हर जगह जो है उसको प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये अलग तरह का टेक्निक है पाकिस्तान का कि कोई भी संगठन जब उस पर बैन लग जाता है तो ये दूसरा नाम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे लश्कर ए तौबा था तो लश्कर ए तौबा पर बैन लगा तो वहाँ पर जमात-उद-दवा इन्होंने बना दिया, अब इसके ऊपर भी बैन लगा तो अब ये द रेसिस्टेंट फ्रंट नाम से ये लोग इन लोगों ने शुरू किया। और इसके लिए पूरी जगह पे इनको बताया गया कि भैया कश्मीर के लोकल लोग हैं सारे लोग, ये लोग ट्वीट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हकीकत क्या है, ये 370 के ऊपर जो जितना जो ट्वीट हो रहा था और ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल उसको जो रिट्वीट कर रहा था हिंदुस्तान के अंदर में, अब ये मालूम चला है कि ये जो रेसिस्टेंट फ्रंट के नाम से जो ट्विटर हैंडल था और इससे जुड़े सारे लोग ये सारे के सारे इस्लामाबाद से ऑपरेट किए जा रहे थे।
कैसे मालूम चला कि इनकी जो आईडी है, इनका जो आईपी एड्रेस है, ये सारा चीज जो है बिना किसी डाउट को। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसका जो मेन जो ट्विटर हैंडल जो इस्तेमाल हो रहा था वो एक आईपैड से हो रहा था। यहां तक हिंदुस्तान की एजेंसियों ने इसको खंगाल लिया है। मतलब ये है कि ये डाल डाल चल रहे थे और हमारी एजेंसियां पात पात उनको जो है हर वक्त उसकी सारी गतिविधियों पर नजर रखी हुई थी। और ये सारे ये बैन होता था और नए नाम से आ जाते थे। अब फिर जो ये बैन हुआ तो इन्होंने वैली रेसिस्ट 313 नाम से फिर उन्होंने ट्विटर पे सब कुछ शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि और ये सब के सब ये आईएसआई द्वारा फंडेड, वहां से वो ऑपरेट किए जा रहे थे, कितने सारे लोग इसमें लगा दिए गए। और तो और जो इस सब सारी चीजों का जो एक मूल सार जो दिल्ली के इन्वेस्टिगेशन से मालूम चल रहा है कि दिल्ली दंगों से ठीक एक दिन पहले 500 इस तरह की आईडीज बनी थी, फेक आईडीज, जो दिल्ली में दंगा भड़काने का काम कर रही थी। और ये सारे लोग संविधान को बचाने, तो सेक्युलरिज्म को बचाने, सीए के खिलाफ, तो एनआरसी के खिलाफ, मुसलमानों को भड़काने का ये लोग पूरे देश में काम कर रहे थे। और दंगा 27 तारीख को खत्म होता है और ये सारी की सारी आईडीज गायब हो जाती हैं। अब आप समझे कि ये किस तरीके से पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित हिंदुस्तान के अंदर में दंगा करवाना, अफवाह फैलाना, फेक न्यूज को बकायदा हाईलाइट कर देना। और आपको याद होगा कि बहुत सारे ऐसे ऐसे हिंदुस्तान के अंदर में जो वर्ड्स और जो ट्रेंडिंग जो ट्विटर पे चल रहा था, जो ट्रेंड जब फेसबुक पे चल रहा था, वो कितना ज्यादा एंटी इंडिया अपने आप में था। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के जो दो जासूस पकड़े गए, जिस तरीके से ये लोग हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुस्तान के लोगों के द्वारा राजनीति, हिंदुस्तान में जो राजनीति हो रही है उसके जो है जो क्रैक्स को बाकायदा पहचानते हुए किस तरीके से हिंदुस्तान में जहर बो रहे थे, आज उसका खुलासा हुआ है। लेकिन ये तो पाकिस्तान इन्हें भेज दिया गया, लेकिन इनसे जो मिली जानकारी है और जिस तरीके से दिल्ली दंगों में सीए के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, इन लोगों का जो कनेक्शन निकल रहा है और किस तरीके से ये सारा एक मुहिम चलाया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा, उसका खुलासा भी बहुत जल्द होने वाला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।